Grand Vitara Sigma, the value for money car, the big boss running on the road. किस तरीके से the second GT line modification आप लोगों के सामने है. पहला हमने देखा, इतना आप लोग ने उस पर रिस्पॉन्स दिया. दूसरा मॉडिफिकेशन व्हाइट कलर की कार पे है. एक बार फिर से ये सिग्मा मॉडल है ग्रैंड विटारा का, बट इसके साइड प्रोफाइल से हम स्टार्ट करना चाहेंगे. सी द जी टी लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रैंड विटारा. जो पूरी गाड़ी का अट्रैक्शन है, इट इज़ द वाइट एंड ब्लैक थीम, क्योंकि साइड के जो पैनल्स हैं वो हमने ब्लैक किए हैं एंड रूफ रेल्स हमने लगाई है पियानो ब्लैक कलर में, जो बॉडी को टच करते हुए हैं. डोर वाइजर्स भी हमने लगाए हैं जो ब्लैक विद द क्रोम है, मारुति के जेन्यून. साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग भी लगाई है जो पियानो ब्लैक विद द क्रोम है. एंड साइड की रनिंग बोर्ड की स्कर्टिंग भी लगाई हुई है जिसमें मल्टीपल स्पोक्स आते हैं, फिन्स आते हैं. ये वाइट एंड ब्लैक का लुक जब मैं अलॉय व्हील्स के साथ देखता हूँ, द 17-inch मारुति जेन्यून डायमंड कट अलॉय व्हील्स, तो मेरी गाड़ी एक जी टी लाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है. फर्स्ट इज़ द रूफ रेल, सेकेंड इज़ द पैनल ब्लैक, थर्ड इज़ द वाइजर, फोर्थ इज़ द क्रोम वर्क, फिफ्थ इज़ द डोर गार्ड, सिक्स्थ है मोल्डिंग, सेवेंथ है हमारी साइड की स्कर्टिंग, एट्थ है हमारे अलॉय व्हील्स, नाइन्थ है हमारे ORVM गार्निश, वो भी ब्लैक कलर के अंदर है दोस्तों, एंड फाइनली जो टेंथ है हमारी सन कंट्रोल फिल्म, जो धूप आपकी गाड़ी में नहीं आती है. ये 10 अपग्रेड्स जो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप करते हैं, किस तरीके से ये गाड़ी का लुक एक सिग्मा से चेंज हो जाता है GT लाइन में टॉप मॉडल में, आप लोग देख सकते हैं. खास बात इसके अलॉयस के लोगो में है. अलॉयस तो हमने लगाए हैं जो जेन्यून है, बट उसके लोगो गोल्ड हाईलाइटेड है. जो उसका GT लाइन का ग्राफिक है, उसका G लेटर गोल्ड हाईलाइटेड है. बट जो खास बात है आज इंटीरियर के अंदर है, क्योंकि हमने हर वो कलर कॉम्बिनेशन ग्रैंड विटारा में दिखाने की कोशिश की. 10 चीज़ें अगर साइड प्रोफाइल में हैं तो 10 इंटीरियर अपग्रेड्स भी हमने किए हैं. सीट कवर्स ये गाड़ी में हमने लगाए हैं जो हमारे एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा कुशनिंग, द जीटी लाइन डिज़ाइन इन द एलमंड कलर दोस्तों. वो डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर तो हम लगा सकते हैं, बट अगर कुछ अलग थीम के साथ हम जाते हैं एंड चाहे इसके डैशबोर्ड, दरवाजे, स्टेयरिंग, द गेयर पैनल, ईच एंड एवरी पार्ट को हमने लेदर रैपिंग की है. फर्स्ट है सीट कवर, इसका फिट फिनिश देख सकते हैं. ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कलर विटारा में आप लोगों को कैसा लग रहा है. सेकेंड इज़ द लेदरिंग वर्क ऑन द डोर. जो दरवाज़ों में फैब्रिक आता था उसको लेदर हमने किया है. लेदर वर्क हैज़ बीन डन ऑन द पार्ट ए. पार्ट बी पे भी हमने किया है, जो ऊपर का हार्ड प्लास्टिक आता था. सी द लुक ऑफ माई डोर. और वो धागे वागे वगैरह आप कर सकते हैं, बट वो दोस्तों बहुत चुभते हैं हाथों पे. प्लेन आप लगाइए, उसका गेटअप आप लोग देख सकते हैं. सो फर्स्ट सीट कवर, सेकेंड लेदरिंग वर्क ऑन द डोर, थर्ड लेदरिंग वर्क ऑन द अपर पैनल, फोर्थ लेदरिंग वर्क ऑन द डैशबोर्ड. सी द फिनिशिंग ऑफ माई डैशबोर्ड. कोई पेंट वगैरह नहीं है, ये लेदर वर्क है दोस्तों. फिफ्थ लेदर वर्क अराउंड द गेयर, जो गेयर के आजू बाजू का हिस्सा है उसको भी हमने लेदर रैप किया है. सिक्स्थ स्टेयरिंग, जो गाड़ी का लुक है मेन स्टेयरिंग से मुझे आता है. सो स्टेयरिंग को भी हमने रैप किया है एंड उसका जो एयर बैग है वो भी हमने रैप किया हुआ है. सेवेंथ लुक ऑफ द स्टेयरिंग आप लोग देखिए. हमारे जो पुश बटन स्टार्ट के इधर का डैशबोर्ड का पैनल है उसको भी हमने लेदर रैपिंग की हुई है. पाँव रखने वाली मैट्स हमने लगाई हैं, जो टॉप गियर ब्रांड की आती है, हनीकॉम मैट्स आती है. एंड एक बेहतरीन म्यूज़िक सिस्टम के साथ, क्योंकि बेस मॉडल में प्लेयर लग के नहीं आता था. नेट प्ले का गोल्ड एडिशन प्लेयर विद अ पियानो ब्लैक फ्रेम, 9.1 इंच स्क्रीन, ऑफलाइन मैप्स विदाउट इंटरनेट रास्ता दिखाने का सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा विद द फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ऑल द फोर व्यूज़ ऑन वन स्क्रीन, एंड हर्ट्स के स्पीकर्स के साथ हमने ये प्लेयर को लगाया है. एंड्रॉयड ऑटो है, वायरलेस एप्पल कारप्ले है. हर उस फंक्शन के साथ ये प्लेयर आता है. 36 इनबिल्ट वीडियो सॉन्ग्स हैं. स्पीकर जो लगाए हैं हर्ट्स के, वो वूफर के जैसे बजते हैं. फ्रंट कंपोनेंट एंड रियर को एक्सेल्स हमने लगाए हैं. डैम्पिंग का वर्क किया हुआ है, क्योंकि रोड नॉइज़ ज़रा भी गाड़ी के अंदर नहीं आती है. तो एक बार फिर से नेट प्ले का जो गोल्ड एडिशन प्लेयर है आप लोगों के सामने है. स्प्लिट स्क्रीन, ऑफलाइन मैप्स, एंड्रॉयड ऑटो,
यूट्यूब GPRS हर उस फंक्शन के साथ नेटफ्लिक का गोल्ड एडिशन प्लेयर है। लाइट अपग्रेड्स की बात करें तो हेडलाइट के जो बल्ब हैं, अगर GT लाइन गाड़ी बन रही है तो GT टर्बो 170 वॉट की LEDs भी हमने लगाई हैं, क्योंकि ये गाड़ी में ना अपर डिपर अलग अलग है, ना फॉग लाइट है, जो है एक में ही है, तो हमने LED बल्ब्स भी लगाए हैं अल्टीमेट फोकस के साथ, विच ऑफर्स यू कंप्लीट वाइट लाइट ऑन द रोड। फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर हमने लगाया है जो आगे की तरफ लगता है। फ्रंट स्किड प्लेट हमने लगाई है जो मेरे नंबर प्लेट के नीचे लगती है। एंड बैक का भी आप लोग लुक देख सकते हैं कि पीछे की भी थोड़ी सी क्रोमिंग का वर्क हमने किया है जो आप लोगों के सामने। बूट लाइट भी इसके अंदर हमने इंटीग्रेट की हुई है, जो हमारी मारुति जेन्युइन है, द मारुति जेन्युइन बूट लैंप भी हमने ऐड की है। दो स्पीकर गाड़ी में लग के आते थे बट वो बेसिक थे, उसका आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से था। तो एक बार फिर से ग्रैंड विटारा आई है, चारों कैमरे की प्लेसमेंट है, एक पीछे एक आगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, एंड स्टेयरिंग में कंट्रोल्स वॉल्यूम प्लस माइनस तो कंपनी ने दिया था बट कॉल आंसर कॉल रिजेक्ट नहीं दिया था, तो वो भी उसके अंदर हमने ऐड किया है। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द ग्रैंड विटारा GT लाइन मॉडिफिकेशन फॉर द वाइट कलर कार। ये इंटीरियर आप लोगों को बताना था दोस्तों, अलग चीज़ लगाइए, हटके चीज़ लगाइए, क्योंकि वो टॉप मॉडल के पीछे भागना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि टॉप मॉडल में तो कंपनी को करोड़ों गाड़ियां बनानी है, आपकी एक कार कैसे वो टॉप मॉडल के लुक से डिफरेंट है, अलग है, वो है GT लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैंड विटारा। डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे। सेकेंड GT लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैंड विटारा हमने जो देखी है, हमने पहली गाड़ी ग्रे कलर पे देखी, वो वीडियो जैसे ही मैंने YouTube पे डाला, मिस्टर गणेश नायक जी है जिनका फ़ोन मेरे को आया था कि सर हमने भी ग्रैंड विटारा ली है, दूसरा GT लाइन आप हमारी गाड़ी को बनाइएगा। सुबह आए, रोहित भाई ये गाड़ी है और ये चाबी है, जैसे आपने गाड़ी बनाई है वैसा सेम टू सेम लुक इसका भी करिए। जितने जेन्युइन प्रोडक्ट्स हो सके हमने लगाए हैं, प्लस जो आज का इंटीरियर कलर है आप लोग ने देखा है। हम वेलकम करते हैं सर का शॉप पे, उनके लड़के हैं एंड सभी फ्रेंड्स हैं, सभी का हम वेलकम करते हैं। सर कशी वाटली गाड़ी जी आली होती आणि जे फायनल लुक त्याचा झालेला आहे, कसं काम झालेलं आहे ओव्हरऑल 2.9 काय बोलू? आता गाडीचा सगळं हे चेंज झालेलं आहे, लुक चेंज झालेलं आहे, मॅक्विल इंटिरियर एकदम मस्त दिसतंय, स्पोर्टी लुक झालेला आहे, स्पोर्टी एकदम जबरदस्त, साऊंड सिस्टमचा आवाज वगैरे मस्त वाटतो। जितने भी लोग सुबह से आके जा रहे हैं, साउंड सिस्टम एक बार गाड़ी देख रहे हैं और जो जो गाड़ी में नया दिख रहा है वो उनके गाड़ी में लगाने का कोशिश कर रहे हो। बरोबर है सर, थैंक यू करते हैं आपको। सर कशी वाटली गाड़ी? छान वाटली, ये अपन लुक दिलेला है व्हाइट आणि ब्लैक का, ग्रेट एकदम जबरदस्त है कि नहीं? थैंक यू करनर तुम्हारा एंड सभी को हम फिर से गणेश जी एक बार फिर से शुक्रिया है आपको। GT लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैंड विटारा, वीडियो वगैरह जो बघतात लाइक करायला पाहिजे, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।